नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों, आप में से अगर किसी को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस के वजह से अगर आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ब्रोंकाइटिस के बारे में, ब्रोंकाइटिस होने के पीछे क्या कारण होते हैं इसके बारे में, और ब्रोंकाइटिस के केस में बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसके बारे में आज हम बात करेंगे और जानेंगे इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ब्रोंकाइटिस किसे कहते हैं। दोस्तों, जो हमारी सांस की नली होती है, जब ये गले में होती है तो इसको ट्रेकिया कहा जाता है। जब ये गले से नीचे फेफड़ों में जाती है, एक बाएं फेफड़े में चली जाती है, एक दाएं फेफड़े में चली जाती है, तो जिसको ब्रोंकाई कहा जाता है। जब ये ब्रोंकाई में अगर कोई सूजन आ जाए, जो सूजन वह अंदर की तरफ आ जाए, तो उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अगर ये सूजन फेफड़ों तक पहुंच जाए, तो ऐसी कंडीशन को निमोनिया कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको अच्छे से समझने में आ गया होगा कि ब्रोंकाइटिस किसे कहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में, इसके होने के पीछे क्या कारण होते हैं, ऐसा क्यों होता है जो ब्रोंकाई होते हैं उस पर सूजन आ जाती है। तो ऐसा क्या है? कई बार अगर किसी वायरल इन्फेक्शन हो जाए उसके वजह से ऐसा हो सकता है, या किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए उसके वजह से हो सकता है, या जो लोग बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं उसके वजह से ऐसा हो सकता है, या एयर पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, वायु प्रदूषण की वजह से ऐसा हो सकता है, या कोई डस्ट पार्टिकल अंदर चला जाए सांस के द्वारा उसके वजह से भी ऐसा हो सकता है, या जो छोटे बच्चे होते हैं जो बौनी का दूध पीते हैं, तो उन बच्चों में भी इसके वजह से ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं ब्रोंकाइटिस होने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, ब्रोंकाइटिस की वजह से बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी वजह से खांसी की परेशानी देखने को मिल सकती है, फेफड़ों में सीटी जैसी आवाज़ आ सकती है, या किसी को बुखार इसके वजह से आ सकता है, बॉडी एक हो सकता है, सर में दर्द इसके वजह से हो सकता है, नोज़िया एंड वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, डिजीनेस इसके वजह से हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो ब्रोंकाइटिस के केस में जनरली देखे जा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं ब्रोंकाइटिस के लिए। तो दोस्तों, होम्योपैथी में ब्रोंकाइटिस के लिए काफ़ी सारी मेडिसिन आती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मेन जो मेडिसिन है उनके बारे में हम बात करेंगे, जिन मेडिसिन का मैं क्लिनिक में इस्तेमाल करता हूँ और मेरे जो सारे पेशेंट होते हैं 3 या 4 मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, उन्हीं के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जिसमें पहली मेडिसिन है ब्रायनी एल्बा 200। दोस्तों, जो ब्रायनिया मेडिसिन होती है ब्रोंकाइटिस की, काफ़ी अच्छी मेडिसिन है और बहुत सारे पेशेंट इस मेडिसिन की सहायता से ठीक हो जाते हैं। अगर किसी को सांस लेने में परेशानी हो रही है, सांस लेते समय अगर किसी को जो बायां फेफड़ा होता है वहाँ ज़्यादा दर्द महसूस होता हो, या किसी को प्यास बहुत लगती हो, या ब्रोंकाइटिस की वजह से अगर किसी को बुखार आ जाए, सांस लेने में दिक्कत हो, तो ऐसे केस में जो ब्रायनिया मेडिसिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर बात करें इसकी डोज के बारे में, तो दोस्तों, जो इसकी डोज है वो 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जो अगली मेडिसिन है कालीकार्प 200। तो जो कालीकार्प मेडिसिन होती है ये भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है ब्रोंकाइटिस की। अगर किसी को जो दायां फेफड़ा होता है, जो राइट लंग्स होता है, अगर वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत है, सांस लेने में सीने में दर्द सा महसूस होता हो, या खांसी है, खांसी जो है वह सूखी हो, या फिर बलगम वाली खांसी हो, सांस लेने में किसी को दिक्कत हो रही है, तो ऐसे केस में जो कालीकार्प मेडिसिन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर बात करें इसकी डोज़ के बारे में, तो दोस्तों, जो इसकी डोज़ है वो 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें अगली मेडिसिन के बारे में, तो दोस्तों, जो अगली मेडिसिन है एपिकाक 30। दोस्तों, जो एपिकाक मेडिसिन होती है, अगर किसी जो बच्चे होते हैं अगर उनमें ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ब्रोंकाइटिस के साथ साथ अगर किसी को निमोनिया की शिकायत भी देखने को मिल रही है, तो उसको ठीक करने के लिए आप भी काक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। अगर बात करें इसकी डोज़ के बारे में, तो दोस्तों, जो इसकी डोज़ है वो 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल बच्चों में कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें अगली मेडिसिन के बारे में, तो दोस्तों, जो अगली मेडिसिन है आस्थाइड ड्रॉप। दोस्तों, जो आस्थाइड मेडिसिन होती है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है ब्रोंकाइटिस की, अस्थमा की, खांसी की, सांस लेने में अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर बात करें इसकी डोज़ के बारे में, तो दोस्तों, जो इसकी डोज़ है वो 20-20 बूंदें सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डालकर
दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको गुनगुने पानी में डालकर लेंगे तो ये काफी ज्यादा इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कुछ मेडिसिन थी जिनकी सहायता से अगर आपको कभी ब्रोंकाइटिस की शिकायत हो जाए तब ऐसी स्थिति में अगर आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मात्र 3 से 4 दिन में आपकी जो ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।